आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश इस बार उज्जैन की जब यात्रा कर रहा था तो काल भैरव मंदिर उज्जैन जाने का संयोग बना तो हर बार जाता हूं इस बार कम लोग थे तो जो पंडित थे जो पुरोहित थे उनसे थोड़ा वार्तालाप हुआ भैरव जी के मंदिर के ठीक बाहर में गणपति जी की मूर्ति लगी हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि भैरव मंदिर में गणपति की मूर्ति क्यों लगा रखा है आपने तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत पुराने काल से है और बिना गणपति के पूजा के भैरव की पूजा नहीं होती है तो इस विषय पर मैंने शोध शुरू किया और जब मैंने महाभैरव शास्त्र पढ़ा ठीक है उसमें गणपति जी के अनेक मंत्र उसी में एक ऐसा मंत्र मुझे मिला जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोजन है कि आपके आसपास जितने भी लोग रहे वो आपके बस में रहें वो आपसे आकर्षित रहें जैसे बहुत मेरे पास लोग आते हैं जिनका कहना है कि वो दुकान पे बैठते हैं दुकान पे लोग नहीं आते जो काम बना हुआ होता है उनके पास उनकी गादी पे लोग आते हैं और फिर जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे लोगों में आकर्षण की कमी होती है या फिर उनमें नेगेटिव अट्रैक्शन आ जाता है ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपने जीवन में खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि आपके मतलब के हों ऐसे लोग आपके आसपास पास रहे उसके लिए ये साधना करते हैं कैसे करते हैं ये साधना सबसे पहले एक हरिद्र गणपति बनाते हैं मतलब जो सूखा पीली हल्दी का जो सूखा फल होता है उसको पीस करके और उससे एक गणपति का आकार बनाते हैं उनको हम गणपति के रूप में स्थापित करते हैं उनके सामने केला रखते हैं पांच पान रखते हैं पांच सुपारी रखते हैं द्रव्य रखते हैं ठीक है और उसके बाद फल फूल नवेद जो भी पंच पूजा है वो करते हैं इतना करने के बाद गणपति की पूजा प्रारंभ करते हैं कैसे करते हैं प्रारंभ तो हाथ जोड़ेंगे उसके बाद बोलेंगे अस्य श्री महागणपति वशीकरण महामंत्र से गणऋषि गायत्री छंद श्री महागणपतिर देवता ग्लाम बीजम ग्लिम शक्ति ही, ल कीलकम श्री महागणपति प्रसाद मोक्षार्थे ईस्ट काम काम्य सिद्धि आर्थे सकल भूत प्रेत पिचास ब्रह्म राक्षसो घात आर्थे जपे विनयोग इत्ता करने के बाद ग्लाम नमः जैसे पहले सिखाया है कि अंगूठे के का जो रूट है उससे ऊपर तक अपने इंडेक्स फिंगर को ले जाएंगे उसके बाद ग्लिम तर्जनीभ्याम नमः अंगूठे से तर्जनी को छुएंगे ग्लुम नमः नम अनामिका अनामिकाभ्याम नमः ग्लोम कनिष्ठ भ्याम नमः ग्लम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः उसके बाद हृदयास करेंगे ओम ग्लाम हृदयाय नमः ग्लिम सिर से स्वाहा ग्लूम सिखाया वसॉट ग्लॉम कवचाय हुँ, कवचाय हुँ का बताया था कि लेफ्ट हैंड जो है आपका उसको राइट शोल्डर पर रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर ठीक है ग्लॉम सिखाया वसौट शिखा का स्पर्श करेंगे ग्लोम नेत्राए वसटा तीनों उंगली मतलब मिडिल फिंगर थर्ड आई पे और दोनों तरफ की दोनियों उंगलियां जो है दोनों नेत्र पर उसके बाद ग्लम फट अस्त्रायफट में क्या करेंगे इसका अस्त्रायफट थोड़ा अलग होता है लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखेंगे तीन बार उसको घुमाएंगे हथेली को एक दूसरे के दोनों तरफ और उसके बाद आ, जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से तीन बार ताली बजाएंगे ठीक है उसके बाद ओम भूर् अस्त्राईफट इति ही ठीक है इतना करने के बाद गणपति का ध्यान करेंगे ओम गण गणपत नमः या जो भी मंत्र आपको आता है क्योंकि वशीकरण के लिए हम ये साधना कर रहे हैं तो अपने थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड पर इसका आप ध्यान करेंगे मतलब गणपति का जब भी ध्यान करेंगे तो वो थर्ड आई पे करेंगे इसमें माला कौन सा प्रयोग होगा इसमें सबसे उत्तम होता है पीला हकीक का माला अगर आप लोग उपयोग कर पाए अगर पीला हकीक का माला नहीं है तो दूसरे नंबर पर आता है स्पेटिक का माला शुद्ध स्पेटिक का माला देखो आप में से बहुत लोग डायमंड कट और ऐसा बोल के आप लोगों को अच्छा स्पेटिक दिया जाता है लेकिन वो उच्च कोटिका स्पेटिक नहीं होता है उसको नहीं धारण करना चाहिए और उससे जाप भी नहीं करना चाहिए तो प्लेन जो स्पेटिक हो वो यूज करिए स्पेटिक भी ना हो तब फिर अंतोगत्वा आपको करना है रुद्राक्ष के माला से जाप ठीक है अच्छा अब इस पूरी साधना को आपको कितने दिन करना है ये जो जहां तक अभी मैंने आप लोगों को बताया पहले दिन इतना करके छोड़ देना है पहले दिन मूल जो मंत्र का जाप है वो नहीं होगा ठीक है मूल मंत्र का जाप होता है दूसरे दिन से तो मूल मंत्र का हम लोग जाप करेंगे ध्यान से सुनिए मूल मंत्र है ओम मत लगाइएगा गलती से भी ओम का प्रयोग नहीं होगा मंत्र है ग्लाम ग्लिम ग्लुम, ग्लैम ग्लोम ग्लह वर वरद सर्वजनम मे वश मानय स्वाहा फिर से मंत्र सुनिए ग्लाम ग्लिम ग्लुम ग्लैम ग्लोम ग्लह वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा ठीक है इसमें बहुत सारे बीजाक्षर हैं इससे निकाल के बहुत सारे आ, मंत्रों का भी प्रयोग किया गया है ठीक है एक बार फिर से मैं आप लोगों को मंत्र बता देता हूं देखो जब ओम लगा दोगे ना इस मंत्र में तो इस मंत्र का जो काम है वो खत्म हो जाता है मतलब ये मंत्र न्यूट्रलाइज हो जाता है ठीक है इस मंत्र को ओम के साथ भी प्रयोग होता है उसका प्रयोग कभी और बताऊंगा अभी जिस प्रयोग के लिए आप लोगों को ये मंत्र बता रहा हूं ये सुरक्षा और वशीकरण दोनों देता है इसीलिए इस मंत्र को जाप करिएगा मंत्र है ग्लाम ग्लिम ग्लूम ग्लैम ग्लोम ग्लह वर वरद सर्व जनम में वशमानय स्वाहा ठीक है इसका आप लोग आठ माला जाप करेंगे आठ माला जाप करने के बाद किसी भी जाप का जो अंत होता है वो महादेव के मंत्र से होता है तो 108 बार आपको महादेव का मंत्र ओम शोम सरवन भव श्रीम ह्रीम एम क्लिम सोम नमः शिवाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना होगा तो आठ एक नौ माला जब आप जाप कर लेंगे शिव के भी एक माला का एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए शिव का ओम सौम सर्वन भव श्रीम ह्रीम एम क्लिम सौम नमः शिवाय नमः इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो ये पूरे नौ माला से ये जो मंत्र है वो सिद्ध होगा आपका सात दिनों में अगर हमेशा फल चाहते हैं तो रोज एक माला इन दोनों मंत्रों का आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको साधना का डिटेल मिल जाएगा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलमी फॉर आप डाउनलोड कर लीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र या डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र रहस्य डॉट एक्स वाई दी तो ये दो मेरा वेबसाइट है गणपति आप लोगों को हमेशा सुखी रखा ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग खा